और खबर सागर से है। फूल सिंह बरैया का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल यहां पर कांग्रेस विधायक के बोल बिगड़ते हुए देखे गए। सागर में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के पहले सभा में आपत्तिजनक उन्होंने बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की चमड़ी खींचकर भूसा भर देता, कांग्रेस सरकार होती तो अफसरों को उल्टा लटका देता। यहां पर एक बार फिर से विवादित बयानों के चलते नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, और वहां थाने में गालियां देता। 2,48,00,000 वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। कांग्रेस ने सागर जिले में दलितों पर अत्याचार, स्मार्ट सिटी में 900 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, पुराने बस स्टैंड को दोबारा शुरू करने और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों को प्रदर्शन को रोकने के लिए चारों तरफ से बैरिगेट्स भी लगाए गए थे और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का लगातार जहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं इस ओर फूल सिंह बरैया का यह विवादित बयान मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है अब कांग्रेस के लिए भी। यहां पर बड़ा विवादित बयान देते हुए फूल सिंह बरैया नजर आए हैं और साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो भ्रष्टाचार पुलिस वालों को मैं बताता। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या इस तरह की बयानबाजी सही है, इसे बयान समझे या गुंडागर्दी समझे, खुले में इस तरह की धमकी देना क्या ये सही है? देखिए आदरणीय हिमानी जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण है कि यहाँ बेलगाम पुलिस प्रशासन जनमानस पर अत्याचार कर रहा है, जबकि ये स्थितियां तब हैं जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं गृह विभाग को संभाल रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री गृह विभाग के रूप में, गृह मंत्री के रूप में असफल साबित हो रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अपना दायित्व किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें, पहली बात। जहां तक दूसरी बात आप करेंगे, आप देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए, परंतु भावावेश में आकर फूल सिंह बरैया जी ने जो दलितों पे वहां अत्याचार देखे, लहार में अभी अत्याचार हो रहा है, पिछोर में तो अत्याचार हो रहा है, इवन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, ठीक है, यानी कि आप मान रहे हैं कि सीमित शब्दों में उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी, यहां पर मर्यादा को पार करते हुए नजर आए हैं, आप मान रहे हैं इस बात को? बीजेपी का पक्ष से कोई, ठीक है, बीजेपी का पक्ष, उनकी भी बात सुन लेते हैं। देखिए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। आप किस तरह से ले रहे हैं इस बयान को, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश के सभी समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का जो किसी दल के सदस्य नहीं होते, बेहद अपमान है। लेकिन कांग्रेस के लोगों से हम अपेक्षा क्या करें, उनकी ये भाषा वैसी है जैसे सड़क छाप गुंडे मवाली नहीं भाषा करते हैं शासन के और प्रशासन के प्रति। तो आप बताइए इनको कौन सरकार देगा? क्या आपको लगता है इस भाषा का उपयोग जो शासन प्रशासन में काम कर रहे हैं, जो हमारे सबके आपके घरों से आते हैं, उनके लिए यदि ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो कौन, तो चमड़ी खींच लूंगा, ये क्या होता है भैया, ये तरीका है क्या आपका बात करने का? आप चमड़ी खींच लोगे मतलब सरकार बन जाएगी, तो आपको सरकार में कौन आन देगा? ठीक है, तो यानी कि ये कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं, ये तरीका नहीं है, सीमित शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए था। आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जनता के हित में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने शब्दों की मर्यादा को जरा ध्यान में रखना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास विषय पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। चलिए अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं, दरअसल सभा में भांडेर विधानसभा सीट से विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा था कि अपराध होगा तो व्यक्ति थाने में ही जाएगा, लेकिन थाने में गालियां देते हैं और साथ ही अगर 2 करोड़ वोट में से 2 करोड़ वोट हमें मिल जाते तो उसके बाद हम बताते, और थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काटकर भूसा भर दिया जाता है, इस तरह के बयान जो है वो देते नजर आए थे।